स्वर थोड़ा ऐसा है, स्वरा 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 सेंटर। चल अभी उधर चलो, अभी रुक ना, अभी भाई बैठ दादा एक मिनट बस। चल स्वरा वन सेंटर स्वरा ही अपनी वन मैन सेंटर में ये अपनी स्वरा वेट वेट स्वरा रुक जा सेंटर ना थोड़े पानी हो आले आले दान आज ही या स्वरा या सूरजी रुकिए एक सेकेंड। एक्सक्यूज मी सर, दिया जी का भी साथ में ले लेना। दिया जी दिया जी एक साथ में आए बराबर वही तो मैं पार्टी ना क्या मेरा बस क्या अजून पार्टी प्लेन से पप्पा ओके थैंक यू दिया जी सोलो दिया मैम सामने। चला धन्यवाद चलो डन 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 जाओ जाओ थैंक यू सो मच दादा आप साइड में जाइए ओके रोल क्या रोल ओके सर सबसे पहले तो आपके डिस्क्रिप्शन के बारे में बताइए क्या डिस्क्रिप्शन जो मुद्दे वो डॉक्यूमेंट्री उठाता है जो हमारे देश और हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत अहम है और वो है ऑफिस में एंड वर्क प्लेस में और पीड़ा कि बहुत जरूरी है कि हम लोग जो हैं वो जो कहानियाँ आ रही हैं उनके बारे में हम उन्हें सुने एंड आई थिंक हर केस में ड्यू प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन का ही होना चाहिए जो आई थिंक इस केस में भी हो रहा है चल रहा है उसके अलावा भी हम जो चीज़ ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट हो रही है उसके अलावा क्या कॉमेंट कर सकते हैं। ओके सर इसी के साथ में जिस फॉरन में तो ऐसी फिल्में बनती हैं जो लोगों से मिलती बनती हैं बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बननी चाहिए आई थिंक कि मतलब बॉलीवुड में भी इस तरीके की फिल्में बननी चाहिए जिससे लोगों को कि मतलब लोगों के अंदर हिम्मत आए इस बात को आगे रखने की बताने की। देखिए मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ बॉलीवुड में हो उसका आधार हो चुकी बॉलीवुड में हो इसलिए हमें होना चाहिए आई थिंक कि हमारी इंडस्ट्री का अपना एक तरीका है ज़रूरी ये नहीं है कि हॉलीवुड यहाँ भी बने ज़रूरी ये है कि हमारे देश में जितने भी लोग प्लेसेस हैं चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर हों या बाहर हों वो सेफ हों और वहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं मर्द और औरतें उनको पता हो जैसे हर क्या होता है हमारे हक क्या है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है क्योंकि आई थिंक कि हमारे देश में बिहार में स्कूल होते हुए लेकर बहुत सारी
इन्फॉर्मेशन पहुँचती है. कई कई बार तो लड़कों को खुद नहीं पता क्या चीज़ लड़की है. सेक्सुअल हैरेसमेंट दो तरह से खुद ही रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि एज अ कल्चर हम इतने आते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड हैरेसमेंट और वायलेंस के. आई थिंक दैट डॉक्यूमेंट्री बनाने से ज़्यादा जरूरी है एक्सप्लेन करना हमारे समाज को, खुद हमें और एक दूसरे को.